लेकिन इसमें दो हैं, उसमें फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में दो होते हैं, सेम उसी टाइप के होते हैं। एक येरा एक येरा एक येरा एक येरा एक येरा। ये अलमारी है, ऐसी अलमारी आपको मिलती है, यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, 1 2 3 4 5। ये है दोस्तों सिर्फ 36 दरम का ये वाला। दोस्तों वेलकम बैक अगेन, स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को डेली लाइफ दिखाने वाला हूँ दुबई की। मैं जस्ट अभी सो कर उठा था यार, आज भी लेट हो गया बहुत ज़्यादा, रोज़ ही हो जाता हूँ यार लेट। मैं आलसी हूँ, मैं बहुत लेट उठता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी मैं जा रहा हूँ ग्रोसरी शॉप पे, पानी वानी और कुछ खाने पीने का सामान लूँगा। ये मैं आ गया ग्रोसरी शॉप पर, देखो भाई कलेक्ट वाटर। दो अंडे, एक सिगरेट का पैकेट दे देना। मैं सामान परचेज कर लिया है, ये मैंने एक पेप्सी, दो अंडे और बाकी मेरे पास सामान जो है रूम पे रखा हुआ है। अब मैं जाऊंगा फ्रेश व्रेश होऊंगा, कुछ खा के बाहर की तरफ चलूंगा। अभी मैं आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ, रूम कैसा है, कितने रुपए का है, ये सब चीज़ देख लो अच्छे से। ज़्यादा महंगा नहीं है, सस्ता ही है। ये अपने बिल्डिंग, बटन दबाओ वो और भाई वाह, सर्विस देख रहे हो कितनी फास्ट है यार। बहुत गर्मी हो रही है बाहर ना, लेकिन सही भी है। यहाँ पर गर्मी होना लाजमी, अगर यहाँ गर्मी नहीं पड़ेगी ना भाई तो इनका पेट्रोल सूख जाएगा पूरा, ऐसा मुझे कोई बता रहा था। ये आ गया भाई मेरा रूम 307। ये है देखो दोस्तों, ये रूम है अपना, इसमें एक बाथरूम ये है, एक रूम ये है, इसमें 5 बेड हैं, 6। एक रूम ये है, इसमें भी 6 बेड हैं, और ये अपना टाइम फोड़ने का एरिया, मतलब टाइम पास करने का एरिया, और ये अपना किचन है। इंस्ट्रक्शन भी लगे हुए हैं भाई, तो इसमें मिलता है ना फ्रिज, ये वॉशिंग मशीन, दोनों फ्रिज है इसमें, और ये पूरा किचन का सामान आप अपना रख सकते हो, बना सकते हो। इस सब लोगों का सामान इसके अंदर जो है रखा हुआ है, तो सब अपना लाते हैं और फ्रिज में रख देते हैं, और फिर ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ करते रहते हैं, किसको क्या चाहिए कब चाहिए, जैसा घर में होता है वैसे ही सब रहता है। अब मैं दिखाता हूँ आपको रूम कि यहाँ पर रूम कैसे होते हैं। ये देखो ये रूम है, इसमें अपना बेड है, तो ये रूम है, इसमें इस तरीके के बेड लगे होते हैं, 1 2 आगा चतुरस्ती वो भी आगा ईरानी है, ये हमारा भाई है, ये ईरान से है, ईरान ईरान है इंडिया, ईरान इंडिया दोस्त इश्क। तो ये ऐसे बेड लगे होते हैं इसमें दोस्तों, जैसे कि हम ट्रेन में सफ़र करते हैं ना, और ऊपर नीचे बेड लगे पड़े होते हैं, उसमें तो 3 होते हैं लेकिन इसमें 2 हैं, उसमें फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में 2 होते हैं, सेम उसी टाइप के होते हैं। एक येरा एक येरा एक येरा एक येरा एक येरा। इसमें 6 लगे पड़े हैं, और ये अलमारी है, ऐसी अलमारी आपको मिलती है, यहाँ पर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हो, 1 2 3 4 5, मतलब एक एक आदमी को दो दो कवर्ड मिलते हैं सामान रखने के लिए, दो दो उसमें खाने मिल जाते हैं सामान रखने के लिए, ऐसा होता है। तो उसका प्राइस क्या होता है, नीचे वाले का समझो 600 550, ऊपर वाले का 50 कम होता है उससे हमेशा, ये यहाँ का सीन है, क्योंकि ऊपर चढ़ना पड़ता है आदमी को तो उसको 50 कम देने पड़ते हैं। आदमी कुछ हो जाता है, इसमें चलो 50 कम दे रहा हूँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं दिखाता हूँ बाथरूम यहाँ का,
ये हमारा बाथरूम दोस्तों, ये बाथरूम है इसका, ये देखो ये। बाकी ये चीज़ क्या है यार, ये चीज़ मेरे को भी नहीं पता आज तक यार, ये मेरी समझ में नहीं आई इतने दिन से मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो ये भी बाथरूम अपना, और ये इसमें देख रहे हैं दोस्तों, फैसिलिटी पूरी मिलेगी, बाथटब हैंड शावर सब सब मिलेगी ए टू जेड, देख लो। और ये तुम्हारा भाई तो, और यहाँ पे ये भी देख लो, बाल बाल काट के अंदर नहीं रखना। तो ये सब है दोस्तों, ये सब मैंने आपको दिखा दिया है, ये यहाँ पर चीज़ें अवेलेबल हैं। रूम बहुत अच्छा है, एक नंबर जो बोलता हूँ ना मैं, एक नंबर जो मेरी लैंग्वेज है उस टाइम में, एक नंबर है। होटल जैसी फैसिलिटी इसमें प्रोवाइड करी गई है भाई, देखो मैं तो बहुत खुश हूँ यहाँ पर जा रहा हूँ। सबसे पहले तो कुछ सिगरेट पीऊँगा एक आध दो, कुछ खाऊंगा बना के, फिर नहाऊंगा धोऊंगा। हाँ मैं नहाने धोने से पहले भाई, मुंह धोने से पहले तो तुम्हारा भाई देखो सबसे पहले खाता है, उसके बाद बाथरूम वाथरूम जाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, ठीक है। फिर बाहर जाके आपको दिखाता हूँ मैं आज क्या करने वाला हूँ, कहाँ जाने वाला हूँ, सब चीज़। तो वीडियो के एंड तक देखना दोस्तों, और जो मेरा भाई चैनल पर नया सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में दोस्तों। मैं बाहर की तरफ बैठा हूँ अभी आगा के साथ, आगा अपनी चाय पी रहे हैं ईरानी, और आगा सिगरेट मैपुरी आओ, ठीक है। ये कह रहे हैं कैमरे के सामने सिगरेट नहीं भाई, घर वाले देखते हैं तो ठीक है, अच्छी चीज़ है ये, गुड। आगा मेरे को परसों क्लब में लेके गए थे, ईरानी क्लब, आगा ईरानी क्लब खूब हस्ती ठीक है, नहीं लेके गए थे बाकी यहाँ देखो ये पूरी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ का भी आपको एक थोड़ा सा टूर कराता हूँ, जैसे ये देखो ये एक और बाथरूम है, दो बाथरूम मिलते हैं हमको, ये अपना सोफा, दो सोफे हो गए ये सामान रखने का, यहाँ चार्जर वगैरह, और ये एक चीज़ है, ये जलती है ऐसे, मतलब इसमें से फ्रेगनेंस निकलती है, ये लगाया हुआ है हमारे रूम वाले ने, आरिफ भाई बोलते हैं उसको, आरिफ भाई नाम है उसको। और ये शूज़ वगैरह रखने के लिए शू रैक है पूरी, ये देखो दोस्तों, एक दो तीन, मतलब फैसिलिटी आपको पूरी मिलती है यहाँ पर दोस्तों। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, फैसिलिटी पूरी मिलती है यार, और आदमी को टाइम पास हो जाता है, मतलब अलग अलग नेशनैलिटी के यहाँ पर लोग आपको साथ मिलते हैं रहने के लिए, और उनकी ज़ुबान हमारी ज़ुबान मिक्स होती है, बातचीत चलती है, थोड़ा बहुत समझते हैं, थोड़ा बहुत गूगल से ट्रांसलेट करते हैं, यही चलता है यहाँ पर ज़्यादातर। तो यहाँ पर रहते हैं तकरीबन 6-7 नेशनैलिटी के लोग रहते हैं यहाँ पर भी। तो ये मेरा रूम है दोस्तों, अब मैं कुछ खा लूँ। तो दोस्तों मैं हूँ अभी किचन के अंदर, और मैं बनाने वाला हूँ ये देखो, ये फ़िश है, फ़िश आती है, टूना है शायद, ये फ़िश पैकेट में आती है, इसके अंदर मसाले वगैरह ऑयल वगैरह सब मिक्स रहता है। और ये अपना राजमा एक ऐसे पैकेट में आता है, इसको सिर्फ गर्म करना है और कुछ स्पाइसेस मिलाना है, मसाले वगैरह, और ये साथ में मैंने देख पाट लिया टमाटर, ये टमाटर, और ये आता है खपूस, रोटी का पैकेट आता है, ये आता है 3 दरम का आता है। देखो तो ये देखो दोस्तों, ये टूना फिश, इसके अंदर देखो हरी मिर्च और आपका ऑयल वगैरह सब है, ये ऐसा डाल देंगे इसमें, पूरा ऑयल वगैरह इसके अंदर भरा पड़ा है यार। ये चीज़ मेरे को अच्छी लगती है यहाँ पे ना, ये 2-3 आइटम जो है ये दुबई के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। तो दोस्तों अपना जो मील है वो प्रिपेयर हो गया है, देखो यार आपके ये देखो, ये इसके अंदर है टूना फिश, साथ में अपना राजमा और टमाटर और प्याज, ये सब इसके अंदर मिक्स करके थोड़े मसाले डाल के, जो मुझे जानता है उसको पता ही है कि मैं टेम्प्ररी शेफ तो हुई। और ये अपना खपूस है, तो अब लेके चलते हैं इनको और मस्त खाते हैं, और फिर नहा धो के मस्त बाहर चलते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, अभी मैं जा रहा हूँ इस भाई के साथ, आगा बोलता हूँ इन्हें, क्योंकि आगा जो है ना, ये वर्ड ईरानी में बड़े भाई के लिए बोला जाता है। तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ अभी शॉपिंग करने के लिए, कुछ मैं भी टी शर्ट वगैरह और अपना पैंट या ट्राउज़र कुछ ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी कम पड़ रहे हैं, मतलब पुराने हो गए, अजीब अजीब से दिख रहे हैं वो।
तो यहाँ पे एक शोरूम है, शोरूम का सुपर मार्केट है, उसमें सब कुछ मिलता है, ए टू जेड पूरा सामान मिलता है। वो नज़दीक ही है तो उसी में जा रहा हूँ। जैसे कि 10 दरहम 20 दरहम में तुम्हें चीज़ें मिल जाएंगी, 10-15 दरहम में, 20 दरहम में टी शर्ट और पैंट और पजामे ये सब मिल जाती हैं इतने में। बाकी यहाँ पर मैं ना शाम को ही ज़्यादा निकलता हूँ क्योंकि भाई शाम को माहौल अच्छा हो जाता है। ये देखो भाई, पब्लिक में अगर मैं ब्लॉग करता हूँ और चलते फिरते, तो मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन होता है, भाई ये कैमरा कौन सा है और कितने का लिया, यही सवाल पूछते हैं सबसे ज़्यादा। दोस्तों सामने, ये सामने राइट की तरफ मार्केट है और पहुंचने वाला हूँ। और बाकी यार जब यहाँ मार्केट में घूमता हूँ ना, तो ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलती यार देखने को। ये देखना यार, ये डोर लॉक, ओ ये मस्जिद के मीनारे। ये इतनी लंबी लंबी मस्जिद की मीनार रखी हुई थी भाई। तो मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं अपने को जो हिंदुस्तान में नहीं देखे मैंने। ये गाड़ी देखो भाई यार, ये कौन सी गाड़ी है, एक नंबर, पता नहीं कौन सी वाली है भाई। और जहाँ मैं रहता हूँ ना यार, वहाँ पर सब मिलता है भाई आसपास में यार। अभी ये मेरे पीछे थी मोबाइल की मार्केट, और अभी तेरा हमारा भाई आ गया, ये आ गया इसके अंदर ड्रीमलैंड। इसमें जब मैं कल आया था अपने दोस्त के साथ ना, तो इसमें प्राइस ना और भी 2-3 सुपर मार्केट है उनसे थोड़ा कम था, तो इसीलिए मैं इसमें आया हूँ कि इसमें अपने को कपड़े वपड़े सस्ते में मिल जाएंगे। आगा मेरे, ये ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे मेंस वुमेंस वेयर सेक्शन, तो ऊपर चलता हूँ, ऊपर से खरीदता हूँ, वो भी दिखाऊंगा आपको मैं क्या लेने वाला हूँ। बाकी यहाँ पे जो बैग है ना, ये वाला, ये जो बैग ट्रक है, ये बहुत सस्ते में मिल जाता है भाई, इतनी अच्छी क्वालिटी में, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी और डिट्टो कॉपी अमेरिकन टूरिस्टर वगैरह, और सिर्फ 2000 में मिल जाता है जैसे मैंने देखा है। तो ये आ गया मैं टी शर्ट वगैरह के सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने लिया है ये लोअर, जिसके ऊपर की प्राइस टैग लगा हुआ है, ये देखो, सिर्फ और सिर्फ 29 दरहम का ये मिला है मेरे को। अब मैं इसके साथ के लिए एक टी शर्ट और देख लेता हूँ। यहाँ गर्मी बहुत है इसलिए ना जीन्स वीन्स नहीं पहनी जाती अपने से, और कैप्स भी लगी पड़ी हैं यार अच्छी 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 अच्छी, और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है इनका यार। देखो ये सिर्फ 14 दरहम में है, और उधर जो है उधर थोड़ी अच्छी क्वालिटी में, ये तुम्हारा 29-30 इतने में है ये सब। तो इसका रीजनेबल प्राइस है, ज़्यादा भी नहीं है। अब मैं एक टी शर्ट देखता हूँ साथ के लिए इसके, भाई एक्सेल आता है मेरे को यार, लेकिन इस पजामे पे स्मॉल का टैग लगा हुआ था। गो डाउन सुपरमार्केट बिया ओके। तो आगा गया, अब मुझे अकेले ही कुछ देखना पड़ेगा भाई, टी शर्ट देखता हूँ एक अच्छी सी। तो ये मैंने एक टी शर्ट भी ले लिया, इसका है, इसका भी 29 है, मतलब 600 हो गए टी शर्ट के और 600 हो गए आपके लोअर के। है यहाँ बहुत कुछ है यहाँ पर जो तुम्हारे को मांगता है कपड़े लगते हैं। और ये सुपर मार्केट है ना ये वाली, ये सस्ती बहुत है। ये देखो ये सिर्फ 14 दरहम में। चलता हूँ इनको लेकर टी शर्ट ट्राई कर लेता हूँ पहले एक बार। तो दोस्तों ये दोनों मैंने ट्राई कर लिए हैं, ये एकदम सही आ रहे हैं मेरे ना, और कॉम्बिनेशन भी मैच हो गया इनका, ऐसा लग रहा है जैसे ट्रैक सूट है। अब मैं आया शू सेक्शन में, एक जोड़ी शूज़ और देखता हूँ यार, मेरे जो है ना ख़राब हो रहे हैं थोड़े थोड़े, प्राइस रेट चेक करता हूँ इनके। ये है दोस्तों सिर्फ 36 दरहम का ये वाला,
और ये देखो ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है भाई, तो मैं भी यही वाला देखना आया हूँ कुछ इसमें अच्छा सा मिल जाए। ये 31 का है, ये देखो मेरे पीछे जितने भी हैं ये सब वो हैं जो फर्स्ट कॉपी अपने हिंदुस्तान में मिलते हैं ना, 2000, 2500, 1800, ये वो वाले हैं सारे भाई। और यहाँ पे ना बहुत सस्ते मिल रहे हैं भाई, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट चाइना से आता है देखो, इसलिए यहाँ पे 800, 900, 800, 900, 1000 ये सब रेट में मिल रहे हैं। तो मैं इनमें सोच रहा हूँ ये ब्लैक वाला ले लूँ, ये 31 दरम का है, ये अपने को पड़ेगा 650 के आसपास ये मिल जाएगा, तो मैं ये वाला लेने की सोच रहा हूँ। वाइट अच्छा नहीं होगा ट्रैवल करते टाइम पे, वरना वाइट बहुत प्यारा लग रहा है, वो जल्दी गंदा हो जाएगा, ब्लैक जल्दी गंदा नहीं होगा, तो इसलिए ब्लैक वाला लेता हूँ और देखता हूँ पहन के देखता हूँ पहले कैसा लगेगा यार। बाकी अच्छा है, मैंने एक दो लोगों के पैर में देखा था ये शूज़ अच्छा है, ट्रेंडिंग में है, तो यही मैं फाइनल करता हूँ इस वाले को। ठीक है, मैं शूज़ लेकर नीचे चलता हूँ और फिर मैं इनकी बिलिंग वगैरह कराता हूँ, दिखाता हूँ आपको कितना बिल हुआ और मैंने क्या क्या परचेज़ किया है। दोस्तों मैंने लिया ये लोअर और ये टी शर्ट, इससे मैच करती उल्टी है भी क्योंकि ट्रायल रूम से लेकर आया था बदल के, और ये लिया मैंने शूज़, बहुत कंफर्टेबल है यार ये शूज़ का जो मेरे को मिला है ना 36.95, तो ये हो गए अपने 700 कुछ रुपए हो गए ये। तो मैं चलता हूँ इनकी बिलिंग कराता हूँ और फिर बाहर की तरफ चलते हैं, देखेंगे कुछ खाने पीने को, सोच रहा हूँ एक कैप और ले लूँ, चलो कैप के सेक्शन में चलते हैं, क्योंकि ये काली वाली ना मैं रोज़ रोज़ पहनता हूँ तो बुरी लगती है मुझे अभी, अब देखने में अब मैं एक अच्छी सी कैप और लेता हूँ। तो ये मैंने दोस्तों एक कैप भी ले लिया भाई, इसका प्राइस है सिर्फ 11 दरम इसका प्राइस है, कैप शूज़ और कपड़े सब ले लिए मैंने, मज़ा आ गया, काफ़ी सस्ता मिला यहाँ से, तकरीबन ये सब मेरे को ना जूते वगैरह सब मिला के पड़ेंगे 2000 रुपये, ज़्यादा नहीं, बहुत सस्ता है भाई। अब मैं चलता हूँ बिलिंग काउंटर पे और यहाँ सब मिलता है भाई ए टू जेड, ये सुनार की दुकान भी है यहाँ पर छोटी सी, कोलगेट पानी वानी सब 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 मिलेगा यार, शॉपिंग के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है। इनका बिल कर, टोटल 105 दराम। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि सब मिला के मेरे पास जो बिल आया वो आया 105 दराम और 80 फिल्स का, 80 फिल्स बोले तो 80 पैसे, जैसे अपने यहाँ बोलते हैं 50 पैसे वो, तो ये मेरे को पूरा ये इस चीज़ का कॉस्ट आया। तो अब मैं चलता हूँ इसको रूम पर रखता हूँ और वीडियो ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय टाटा, अल्लाह हाफिज़।